तो भैया स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अक्षय व्लॉग्स पे। मैं हूँ अक्षय। तो आज हम अपने हेलमेट का नवीकरण बोलते होंगे मुझे पता नहीं। तो आज हम पूरा सेटअप करने वाले हैं। मैंने पैडिंग वगैरह निकाल दी थी, मुझे पैडिंग धुलनी थी तो इसलिए मैंने पैडिंग निकाल दी थी। और मैंने माउंट भी निकाला था इसका कुछ कारणवश, और इसमें जो अंदर मेरा इंटरकॉम लगा हुआ था वो भी मैंने निकाला था कुछ कारणवश। तो मैंने कहा जब सब निकाल दिया है वापस से लगाना ही है तो उस पर एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हर सेटअप का कुछ सेटअप्स का अलग होता है। पहले मेरे पास E-Connection NR था, तो उसका वीडियो अगर आपको देखना है कैसे मैंने सेटअप किया तो यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। और इसकी पैडिंग वगैरह मैंने पूरी धुल दी थी, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये इसकी पैडिंग वगैरह है, तो ये मैंने सारी धुल दी थी। तो वो भी अगर आपको जानना है कि कैसे अपने हेलमेट की पैडिंग वगैरह धुलनी है तो यहाँ पे कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके दे सकते हो। तसल्ली करो, ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हो, ये आखिरी तक आपको मिलेगा, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड करते हैं आगे। तो अभी सबसे पहला जो चीज़ है, आवश्यकता है हमें, वो पड़ेगी एमसील की, पड़ेगी टेप की पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या नीड्स हैं और क्या क्या है। तो बेसिकली हमें ये सारा कुछ ज़रूरत होगा। यहाँ पे आप GoPro का केस रखा हुआ, यहाँ पे वो मैं चार्जिंग पे लगा दिया मैंने क्योंकि इसमें बैटरी बहुत ख़त्म थी। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा एम सील, और ये टेप चाहिए होगा इलेक्ट्रिक वाला टेप, मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक की शॉप पे। और बाकी ये इंटरकॉम है, ये इंटरकॉम का सेटअप है, ये माउंट है कुछ, और ये पैडिंग है। तो अभी हम सारा कुछ उस पर सेटअप करते हैं। तो अभी सबसे पहला काम रहता है कि हमें हेलमेट साफ़ कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ। इसका जो हेलमेट है आप नॉर्मल पानी से साफ़ कर सकते हो, इनसे भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक प्लस चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे मान लो कोई जो डेंट होते हैं वो थोड़े से गहरे होते हैं, डेंट मतलब जैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपका हेलमेट कहीं लग जाता है, लड़ जाता है, तो वो डेंट पड़ जाते हैं, उसमें मिट्टी लग जाती है तो वो और गंदा लगने लगता है। कुछ चीज़ें आपकी कॉलिन से और पानी से नहीं निकलेंगी, तो उसके लिए एक आपके साइंटिस्ट अक्षय ने एक नया ईजाद किया है फॉर्मूला, वो है कैरोसिन से आप अपना हेलमेट साफ़ कर सकते हो। अभी मेरे पास कॉलिन नहीं है तो कैरोसिन से आप साफ़ कर सकते हो। अभी बहुत लोग हो सकता है पूछेंगे कि भाई कलर नहीं जाता है। अगर अब ये नहीं कि पूरा कैरोसिन डाल के उसे घंटे भर से आप साफ़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा कैरोसिन लेना है, बस कपड़े में थोड़ा सा कैरोसिन लो और हेलमेट साफ़ कर लो। जो डेंट आज तक कभी साफ़ नहीं हुए वो सारे डेंट आपके हेलमेट से साफ़ हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्लिनिकली प्रूव्ड है, ट्राई कर सकते हो आप। मैं अभी इसे साफ़ करने वाला हूँ कैरोसिन से। इसमें है कैरोसिन, ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो इसमें कैरोसिन है और हम इसे लेंगे थोड़े से कपड़े में। बस आपको इतना सा लेना है और आपका पूरा हेलमेट साफ़ हो जाएगा। सेव वाटर, यूज़ कैरोसिन। तो जैसे कि ये हेलमेट है, बस आपको ऐसा करना है, बस कपड़े से साफ़ करो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलिन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, पानी में और भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और इससे ये अल्टीमेट तरीके से साफ़ हो जाता है और आसानी से। बस आपको बस कपड़ा मारना है आपके जो गंदगी लगी हुई है उस पर, और बस साफ़। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ साफ़। हेलमेट तो हमारा साफ़ हो गया, देख रहा हूँ किस तरीके से चमक मार रहा है ये। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मुझे माउंट के लिए थोड़ा सा रफ़ करना पड़ा था इसलिए चमक नहीं मार रहा है, बाकी आप देख रहे हो। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये मेरा ग्लॉसी हेलमेट है, तो जिनका मैट है उस हेलमेट के लिए मैं कुछ नहीं ज्ञान दे सकता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है मैट हेलमेट पर कैरोसिन, और उसके रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपका हेलमेट ग्लॉसी है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ कैरोसिन टू क्लीन योर हेलमेट। अभी वाइज़र क्लीन करने की अगर बात आती है तो वाइज़र क्लीन आप नॉर्मल पानी से कर सकते हो, और अगर ज़्यादा गंदा है तो शैम्पू या सोप से, बेसिकली आप शैम्पू से यूज़ करो क्योंकि शैम्पू थोड़े से कम हार्श होते हैं। तो मे भी शायद ये मेरा लॉजिक है, बाकी आप लोग देख लो। तो अभी हम पहले करने वाले हैं ये सेटअप जो है इसका, यहाँ पे लगा हुआ है वेलक्रो वगैरह लगा हुआ है। तो अभी हमें ये माउंट करना है, इसके अंदर ये लगाना है। तो क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी निकाल दिया है तो यहाँ पे जो ग्लू लगा हुआ था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हमें शायद से ये टेप यूज़ करना पड़े, तो इसीलिए मैं इसे लेके आया हूँ। और तो ये उनके लिए है जो इंटरकॉम सेटअप करना चाहते हैं अपने हेलमेट में,
तो इंटरकॉम की शुरुआत, इंटरकॉम सेटअप जो लोग करना चाहते हैं, पहले आपको पता होगा आपके जो बॉक्स होगा उसमें कंटेंट में ये सब मिलेगा आपको, और ये व्यवस्था भी मिलेगी। तो ये व्यवस्था कैसे बैठानी है ये हमें पता है, तो इसको बाद में, इसका बाद में बहुत आसान सेटअप है तो मैं बता दूंगा, ज़रा देर लगेगी। जो थोड़ा सा ट्रिकी है मामला, वो मामला है इसका, और इसका ग्लू जो है वो एकदम से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये थोड़ा सा पैडिंग टाइप की है, तो मैंने इस पे लगा दिया था जिसकी वजह से इसका ग्लू ख़त्म हो गया। मे भी शायद अगर आप, मैं थर्माकोल वगैरह पे लगा रहा तो मे भी ऐसा हो सकता था कि इसका ग्लू इतनी ख़राब नहीं होता। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, अब आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये चीज़, ये जो आपका इंटरकॉम है, ये आप किस तरफ माउंट करोगे, क्योंकि ये जो केबल होता है एक साइड का ये छोटा होता है, तो जिस तरफ छोटा केबल होगा आप उसी तरफ, जिस तरफ आपका माइक होगा बेसिकली, तो वहाँ से आपको ये नज़दीकी रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना इंटरकॉम में ये वायर नहीं पहुँचेगा और आपको दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है इसको, और जो माइक है मेरा वो यहाँ पे आ गया है। अभी मैं इस पे कुछ टेप वेप से कुछ बनाता हूँ, जुगाड़ दिखाता हूँ। जो एक चीज़ मुझे याद आई वो ये है, इसके बॉक्स में आपको जो ये इंटरकॉम है, इंटरकॉम का नाम है V4, शायद ये है 6 राइडर कुछ, VNET फ़ोन गोगोमा का, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं मिलती है, ये जो होती है ग्लू वाली, तो आप वो कर सकते हैं। मुझे याद है मेरा वो बॉक्स लखनऊ में रखा है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, मुझे टेम्परेरी जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे पैडिंग सफिशेंट होगी इसको रोकने के लिए, फिर भी मैं एक टेम्परेरी जुगाड़ बना देता हूँ। तो मैंने टेम्परेरी कुछ ऐसे टेप लगा दिया है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, तो ये अभी हिलविल नहीं रहा है, और उसके बाद पैडिंग्स का ध्यान रखेगी। दूसरी साइड में मेरा जो वेलक्रो है, दूसरी साइड का जो मेरा ग्लू है, वो दूसरी साइड का जो इसका ग्लू है वो तभी भी काम कर रहा है, तो मे भी शायद ये ऐसे ही लग जाए, देखते हैं। आई एम राइट। ये देखो, बड़ा डिफिकल्ट होता है यार ऐसे कैमरा एंगल से, ये वाला जो है ये ऐसे ही लग गया, बस मुझे इसमें टेप लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये तो हो गया है, अब ये जो वायर है बीच में, अरे भैया मान जाओ, ये जो वायर है इसको हम लोग यहाँ पे टेप से चिपका देंगे, वरना ये भी लटकता वटकता रहेगा और दिक्कत होगी, तो इसको हम लोग टेप से चिपका देते हैं। और ये जो हमारा है, जैसे कि मैंने बोला था मैं लेफ़्ट साइड में रखूँगा, तो ये हेलमेट के लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, तो इसको इधर रखेंगे और इस वायर को हम लोग अंदर चिपका देंगे। देखो कैसे, मतलब इतना बताने की तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन बता देते हैं। तो ये बचपन में आप भी करते होगे शायद, जब टेप वगैरह लगाना होता होगा तो ये सबसे सही जुगाड़ होता है, काट काट के उंगलियों पे चिपका लो, उसके बाद लगाते रहो। यही सेटअप हो गया, ये देखो ये सारा हमने जुगाड़ कर लिया, बस मुझे ये थोड़ा सा आ गया, ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, पर मैं लखनऊ जाऊंगा तब मैं इसके दे रखे हैं, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, वो मैं निकाल के इसमें लगा दूंगा, तो आराम से मेरा काम बन जाएगा फिलहाल के लिए, टेम्परेरी के लिए 2-3 महीने के लिए। कब जाना है मुझे घर, तो जनवरी में मैं जाऊँगा, तो तब के तब फिलहाल तब तक की के लिए इससे काम चल जाएगा। अभी जैसा कि मैंने बोला था, ये लेफ़्ट साइड में आपको निकाल के रखना है ये इस तरीके से, क्योंकि ये लगेगा इसमें, ठीक है, देखो ऐसा ये जो है इसमें लगेगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा ये माउंट, ऑफ कोर्स आपके इंटरकॉम में निकलेगा। इसको कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको ना, ये चीज़ इसीलिए उठ गई है क्योंकि यहाँ पे ये माउंट लगा हुआ था। इसको आपको करना क्या है, इस तरीके से ये हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ रखना है, और ये देखो ये जो है इस तरीके से जाएगा अंदर, ये ऐसे, ठीक है, तो कस के आपको इसको प्रेस करना है अंदर की तरफ,
और यहाँ पे आपको स्क्रू दे रखे होंगे, तो वो आप पहले से थोड़ा सा टाइट कर लें। तो ये आपको स्क्रू दे रखे हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ भाई। बड़ा डिफिकल्ट होता है यार ये एक जगह कैमरा रख के, मतलब कोई हो साथ में तो सही रहता है। ये स्क्रू दिख रहे हैं आपको चमकते धमकते थोड़े से सिल्वर टाइप के, ये स्क्रू आप टाइट कर सकते हो तो आपका ये माउंट जो है प्रॉपर माउंट हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसे, और ये इंटरकॉम आपका आ जाएगा ऐसे, ये लग गया आपका इंटरकॉम। और जो एक्स्ट्रा केबल आपकी ये लटक रही है थोड़ी बहुत, आप इसको भी माउंट, इसको भी आप इस टेप से लगा सकते हो, तो ये बाहर लटकना वटकना बंद हो जाएगा इसका, वो भी कर देते हैं जब कर ही रहे हैं सब। तो अब हम इसमें लगाएंगे इसकी लाइनिंग, इसके पैडिंग, जो भी आपका बोलने का मन हो। बहुत आसान है, अब आसान हो गया। जब मैंने पहली बार लगाया था तो मुझे लगा यार ये तो रॉकेट साइंस है, ऐसे कैसे, मुझे बहुत टाइम लगा था इसकी पैडिंग में। बेसिकली पैडिंग लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ये जो लॉक होते हैं ना इसके, ये तो आसानी लग जाते हैं। मैं दिखाता हूँ ये वाले लॉक जो होते हैं, ये लॉक, ये तो इनको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर अब तो आदत सी हो गई है मुझको। तो भैया हमारी लाइनिंग भी लग चुकी है, थोड़ी सी मेहनत लगी पर लग गई है। ये देखो पास से देखो, अंदर से देखो, ठीक है। तो लाइनिंग लग चुकी है, वाइज़र लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मेरा वाइज़र का आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये लॉक ये वाला, तो ये टूट गया था, इस वजह से मेरा वाइज़र जो है चलते फिरते ऐसे ऐसे हो रहा था। मतलब जैसे कि मान लो डिमॉन्स्ट्रेशन कर देते थोड़ा, मैंने ऐसे कर रखा वाइज़र, गड्ढा वड्ढा आया या बाइक कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो ऐसे ऐसे हो रहा था। मैंने फेविक्विक लगाया है, उम्मीद है कि चल जाना चाहिए, और अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चला लेंगे। वाइज़र मुझे चेंज करना, बेसिकली मुझे हेलमेट ही चेंज करना है। अब वाइज़र चेंज करने के लिए सोच रहा था इसका, क्योंकि हेलमेट की तो अभी थोड़ी बहुत अच्छी खासी लाइफ है, मैं वाइज़र चेंज करने के लिए सोच रहा था, लेकिन अब वाइज़र नहीं, मैं हेलमेट ही चेंज करूँगा पहले। तो तब तक के लिए जुगाड़ कुछ बनाते हैं, तो चलो लगा के देखते हैं कि कितना कारगर है ये फेविक्विक का जुगाड़। फाइनली गया, भाई ये काम कर रहा है यार, कल मैंने लगाया था टूट गया था, ये अभी काम कर रहा है मेरे भाई, ये देखो अभी भी लगा हुआ है, इसका मूवमेंट देखना, ठीक है पास से दिखाता हूँ, ये देखो चल रहा है साथ में। तो मतलब अब नो मोर फ्ली डूलिंग ऑफ द वाइजर, अब ये स्टेबल रहेगा, खुशी की पराकाष्ठा। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी लगाने वाले हैं इसमें GoPro माउंट। तो बेसिकली एक GoPro में येला माउंट निकलता है, कर्व, और एक स्ट्रेट माउंट होता है, फ्लैट स्ट्रेट, सॉरी माई मिस्टेक, तो एक फ्लैट होता है, कर्व होता है। अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये एयर वेंट है, पहले जब मैंने पहली बार लगाया था ईकन का, तब मुझे इतना दिमाग नहीं था ना ज्ञान नहीं था, तो ये एयर वेंट निकल आता है, मैं निकालता हूँ इसे, तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने पूरा वही निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, ये तो लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एयर वेंट बाहर आ गया, अब हम इसे लगा देते हैं, इसका ये जो लॉक मैकेनिज्म है इसको तो लगाना पड़ेगा कम से कम, वरना ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लग रहा है। इसको देख के वाली फीलिंग नहीं आ रही है जो बैटमैन में एक विलन बना हुआ था वैसा कुछ, मैं एनसील यूज़ करूँगा। वैसे मेरे पास केबल टाइज नहीं है इस बार, तो वो मुझे लेने जानी पड़ेगी, मैं पिछली बार केबल टाइज लेने गया था तो मेरे पास सिर्फ 6 रुपये थे, और उसने 3 रुपये की एक दी, तो मैं सिर्फ 2 ही लेके आया था, ATM आस पड़ोस में कहीं था नहीं, तो मैंने कहा इतनी दूर पहुँच जाए कि 2 केबल टाइज में हो जाएगा, तो इसलिए मैं 2 ही केबल टाइज लेके आया था। तो ये है हमारी दवा ननोली एनसील, इसको आपको पूरी पूरी मात्रा में मिलाना है, कंजूसी नहीं करनी है। तो भैया हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, ये लड्डू तो ये तैयार हो चुका है, अभी हम इसको लगाएंगे
तो अभी हम इसको लगाएंगे इस पे और फिर इसके बाद चिपकाएंगे, इसके बाद चिपकाएंगे इसको हेलमेट पे। तो इस लड्डू को थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि साइड साइड से भी लगाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो ये मैंने थोड़ा सा लड्डू निकाल लिया यहाँ से। एम सील, तो इसको हम लगा देते हैं इस पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप तैयार है ये, और इसको हम रख देंगे लगभग एक दिन के लिए सूखने के लिए। तो ये अच्छी तरीके से, आप सोच रहे हैं मैं क्या, तो ये मैं देख रहा था कि ये यहाँ से देख रहा हूँ ये वेंट दे रखे हैं, ये वाले वेंट, तो ये पिछली बार इसके अंदर चला गया था, तो वही मैं देख रहा था कि भैया इस बार तो नहीं गया। तो ये इसे हम रख देंगे, तो ये सूख जाएगा एक दिन में तगड़े से। और बहुत ही क्लीन लग रहा है, कहीं से भी कुछ गंदा सा फील नहीं आ रहा है नट को देख के। तो ये हो गया, बाकी कुछ नहीं बता। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो GoPro होता है या कोई भी एक्शन कैमरा है, तो उसके लिए बहुत सारे माउंट यूज़ करने पड़ते हैं। मैं इकन में बहुत सारे माउंट यूज़ करता था, मतलब बहुत सारे 4 से 5 माउंट मुझे लगते थे उसको ऐसे वैसे मतलब अच्छी तरीके से सेटअप करने के लिए। सबसे सही उपाय जो है वो इसका है जे माउंट, ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। और तो ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, ये मुझे 2 पीस मिले थे लगभग शायद 90 रुपीज़ के या 100 रुपीज़ के, अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास थे। तो जो कि ज़्यादा महंगा है एक तरीके से मुझे, वैसे अगर आप दिल्ली विल्ली में लेने जाओ तो शायद 50 रुपये में भी मिल जाएँ, तो मुझे 100 रुपये के पड़े। कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे थोड़ा सा क्लीन चाहिए था मामला सारा, तो मैंने ये मंगाया था। ये मुझे पड़े थे 100 रुपये के 2, एक रखा हुआ है मेरा एक्स्ट्रा में, मतलब ये कभी ख़राब वराब हो जाता है। तो ये हमारा, तो इसको मैं लगा दूंगा जब ये सूख जाएगा। और ये मैं यूज़ करता हूँ जो मेरी मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा, थर्ड लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, उसमें जो जो व्यू आया है ये इसके थ्रू लिया हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी बाइक के पीछे एक लगा रखा है होल्डर माउंट बेसिकली। तो उसमें मैं ये लगा देता हूँ कैमरा, और पीछे से वाला व्यू भी तगड़ा आता है। अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास एक और माउंट है ये GoPro का, ये भी मैं माउंट करूँगा अपनी बाइक पे कहीं पे। तो ये आपको चाहिए होता है इंटरकॉम, GoPro या कोई भी एक्शन कैमरा माउंट करने के लिए इतना सेटअप। और वाइज़र का तो हो जाएगा, मैंने धुला नहीं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और क्या, हाँ, और वीडियो को कर देना शेयर जिसको लगता है कि जिसको ज़रूरत है कैमरा माउंट कैसे करना है या इंटरकॉम कैसे लगाना है या हेलमेट क्लीन कैसे करना है या जो भी हेलमेट से रिलेटेड है। और अगर आपकी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी कंटिन्यू होने वाली है बाइकिंग, जो हमारी रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आई होप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और क्या, बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक छोटा सा अपडेट देने। ये चीज़ जो है शायद उसे कुछ बात करनी है। बेटा बोल लो, बेटा नहीं बोल रहा। तो ये छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई देगी चिपक गई है, वो टूट गई। ये देखो, यहाँ से इधर लगी हुई है, ठीक है, सारा रास्ता लगी है, इधर से गायब है। तो जिस चीज़ के लिए मैं बोल रहा था मैं खुश हूँ, वो टूट गई। तो ये एक करंट अपडेट था। अभी मैं मिलता हूँ फाइनली आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।